नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था रिलायंस जियो के बारे में, जहां पर चेन्नई सर्कल्स के अंदर रिलायंस जियो अपने 5G मोबाइल सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया है। उसी के साथ साथ और एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां पर राजस्थान के अटवाड़ा के अंदर मेनली अपने वाईफाई बेस्ड 5G सर्विस को यहां पर लॉन्च किया गया है, मतलब 5G वाईफाई सर्विस को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल है कि भाई ये 5G सर्विस और 5G वाईफाई सर्विस के अंदर डिफरेंसेस क्या है, क्या 5G वाईफाई सर्विस हमें फ्री पर मिलेंगे या क्या उसके लिए 5G डिवाइस होना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है और आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब जो है वो इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से अपने ट्रू 5G सर्विसेज को यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया और आज के डेट के अंदर टोटल 5 शहर के अंदर रिलायंस जियो अपने ट्रू 5G सर्विस को चला रहे हैं, 5G मोबाइल सर्विस को चला रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी और चेन्नई। दोस्तों, 5G सर्विस यूज़ करने के लिए, नॉर्मली 5G मोबाइल सर्विस यूज़ करने के लिए आपके पास जो मोबाइल डिवाइस है वो मेनली 5G SA को इनेबल्ड होना होगा, फिर जाकर आप उस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5G को एक्सेस कर सकते हैं। और जियो की तरफ से जब तक ना आपको इन्विटेशन मिलते हैं तब तक आप 5G सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास इन्विटेशन आ जाते हैं तो मेनली आप अनलिमिटेड ट्रू 5G सर्विस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जियो की तरफ से जो वाईफाई बेस्ड 5G सर्विस को यहाँ पर लॉन्च किया गया मेनली राजस्थान के ऊपर, क्या आपको उसके लिए 5G डिवाइस रहना चाहिए? अगर मैं सवाल की जवाब आपको देता हूं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक 4G डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, 3G या 2G डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप जियो के 5G वाईफाई सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ही क्राइटेरिया है कि आपके फ़ोन जो है वो वाईफाई इनेबल्ड होना होगा। अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर वाईफाई सर्विस है, 2.4 GHz हो सकते हैं, 5 GHz हो सकते हैं, अगर 5 GHz होते हैं तो आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो अगर वाईफाई कनेक्शंस है तो आप इस 5G वाईफाई सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक पब्लिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, मतलब डिफरेंट पार्क्स हो सकते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट हो सकते हैं, जहां पर मेरे लिए वाईफाई हॉटस्पॉट को लगाया जाएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके जियो 5G का मजा यहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, सेकंड सवाल जो आपके पास है, क्या आपके पास एक जियो का ही सिम यहां पर रहना होगा कि अगर किसी दूसरे कंपनी का सिम आप यूज करते हैं तो आप इसे यूज कर पाएंगे? देखिए, इनिशियल स्टेज के अंदर अभी जियो की तरफ से 5G वेलकम ऑफर चल रहा है और इनिशियल स्टेज के अंदर आपको, आप अगर जियो यूजर से या नॉन जियो यूजर से, दोनों के लिए ये पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल है। मतलब आपके पास अगर एक फ़ोन है, एक डिवाइस है, आपके पास लैपटॉप भी हो सकते हैं, तो भी आप इस पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर पर वाईफाई कनेक्शंस लगा हुआ है तो जिस तरीके से वाईफाई से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक सिमिलर तरीके से ये एक पब्लिक वाईफाई है और आप अपने वाईफाई इनेबल्ड हर एक डिवाइस को इस पर्टिकुलर सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो भी जियो की तरफ से वहाँ पर बैठाया जाएगा, और उससे आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सवाल जो आपके पास यहाँ पर निकल के आए हैं, क्या ये जो इंटरनेट आपको मिल रहा है इसके लिए आपको पैसे देना होगा या इंटरनेट का लिमिटेशन क्या है? देखिए, अभी जियो की तरफ से वेलकम ऑफर चल रहा है तो आपको किसी भी तरीके का पैसे जो यहाँ पर नहीं देना होगा इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, और जियो की तरफ से कोई इन्विटेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप अपने डिवाइस को मेनली उस पर्टिकुलर राउटर से कनेक्ट कर लीजिए, मतलब जो भी वाईफाई हॉटस्पॉट है उसे आप कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक जियो के यूजर से तो जियो की तरफ से आपको ट्रूली अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 5G के ऊपर। अभी के डेट के अंदर आपको एक भी पैसे यहाँ पर नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप एक नॉन जियो यूजर से तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं, लेकिन जियो की तरफ से इसके बारे में किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन जो वो नहीं दिया गया है। और हमें ये लगता है कि लोगों को जियो के साथ और जुड़ने के लिए मेनली जियो की तरफ से ये फ्री ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपको जियो 5G वाईफाई सर्विस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली जियो 5G सर्विस भी पसंद आएंगे, और अगर आप एक नॉन जियो यूजर से तो उससे आप जियो के ऊपर शिफ्ट करना चाहेंगे, आपके मन के ऊपर एक इच्छा होंगे। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जियो की तरफ से मेनली इस पर्टिकुलर सर्विस को एब्सोल्युटली फ्री पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको जियो 5G वाईफाई सर्विस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, अभी टाइम के अंदर टेस्टिंग पर्पज के लिए मिले राजस्थान के अंदर इसे चालू कर दिया गया है। अभी देखिए, एक ही वाईफाई राउटर से अगर बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्टेड रहते हैं तो स्पीड के अंदर आपको थोड़ा ऊंच नीच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जब बहुत सारे जगह के अंदर जियो 5G वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ पर बैठ जाएंगे, जियो वाईफाई 5G यहाँ पर बच जाएंगे, तो आपको स्पीड के ऊपर किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा और पूरे भारत जो है वो इस पर्टिकुलर वाईफाई सर्विस से कनेक्ट हो जाएंगे। और आने वाले टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर वाईफाई सर्विस के लिए प्लान्स भी आएंगे। लेकिन
क्योंकि आज के डेट के अंदर मैक्सिमम जो मार्केट के ऊपर फोन है वो 4G फोन से, और 4G फोन्स को 5G सर्विस एनेबल करने का एक ही जरिया है कि वाईफाई की मदद से इंटरनेट को देना। तो जियो कंपनी जो है वो सिमिलर काम जो है यहाँ पर कर रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर ये काम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ ने जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा।